इंटरेस्टिंग रिएक्शन है। और ये रहा मेरा पास, ये पाउडर की फॉर्म के अंदर चलता है, ये देखिएगा, और वाइट कलर का पाउडर है ये, इसके अंदर अमाउंट में सफेद ये इथाइल अल्कोहल जो हाईली फ्लेमेबल लिक्विड होता है। इस इथाइल अल्कोहल को इस बोरिक एसिड के अंदर रिद्धा है, कुछ स्पैचुला वाले हैं, ये स्पैचुला है। YouTube चैनल फ्रेंड्स, अब तक जितना भी आपने वीडियो वॉच किया है उसमें आपने ग्रीन कलर की फ्लेम को जरूर ऑब्जर्व किया होगा, जो कि इस वीडियो की हाईलाइट भी थी। तो यहाँ क्वेश्चन क्रिएट होता है कि ग्रीन कलर की जो फ्लेम है उसको हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं, कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो जनरली फ्रेंड्स, हम जब भी किसी केमिकल सब्सटेंस को बर्न करते हैं, जैसे पीस ऑफ पेपर है हमारे पास, तो वहाँ से बर्न करने के बाद जो फ्लेम क्रिएट होती है वो येलो कलर की होती है, रेडिश ब्राउन कलर की फ्लेम भी आपने ऑब्जर्व की होगी। और कभी जब कभी हम गैस को बंद करते हैं, मीथेन गैस को जलाते हैं, तो वहाँ से ब्लू कलर की फ्लेम भी देखने को मिलती है। लेकिन आज फ्रेंड्स, आपको कुछ यहाँ हम ग्रीन कलर की फ्लेम को मैं आपको बताऊँगा, वन बाई वन हर एक स्टेप को यहाँ करके बताऊंगा कि कैसे ग्रीन कलर की फ्लेम को बनाया जा सकता है केमिकल मेथड के थ्रू। तो फ्रेंड्स, इसके लिए हमें चाहिए होते हैं कुछ केमिकल्स, नाम मैं आपको बता रहा हूँ। फर्स्ट केमिकल का नाम है बोरिक एसिड, एंड सेकंड केमिकल्स आपको इसमें रिक्वायरमेंट रहेगी इथोनल। फ्रेंड्स, इथोनल एंड बोरिक एसिड दोनों को अच्छे से मिक्स करने के बाद जब मैच बॉक्स के साथ इसको इग्निट किया जाता है, या हम लाइटर भी इसमें यूज कर सकते हैं, तो वहां से ग्रीन कलर की बहुत ही अमेजिंग लाइट या फ्लेम देखने को मिलती है। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं इस रिएक्शन को, केमिकल रिएक्शन को। तो आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड्स, मैं एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपको करता चलूँ, वो है इस चैनल की सब्सक्रिप्शन की। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल में फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए रिएक्शन को स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको बताने वाला हूँ यहाँ केमिकल जिसका नाम है बोरिक एसिड, जिसकी फार्मूलेशन होती है, केमिकल फार्मूलेशन होती है H3BO3। H3BO3 को मैं सबसे पहले बॉक्स में से निकाल रहा हूँ बोरिक एसिड को। ये रहा बोरिक एसिड, जो कि एक वाइट कलर का सॉल्ट होता है, जिसको मैंने चाइना डिश में मैं इसको ऐड कर रहा हूँ। ये देखिएगा, चाइना डिश है जो कि बाउल की तरह होती है, केमिस्ट्री की भाषा में इसको चाइना डिश बोलते हैं। और आई थिंक ये 10 से 15 ग्राम जो है बोरिक एसिड सफिशेंट है इस रिएक्शन के लिए फ़िलहाल। और यहाँ आपके पास जो दूसरा रिएजेंट है उसको आप बोल सकते हैं इथाइल अल्कोहल या इथोनल, दोनों ही एक ही नाम होते हैं। और ये काफ़ी हाईली फ्लेमेबल होता है। ये 10 से 15 ml आप इसको चाइना डिश में ऐड कर सकते हैं। और ये देखिएगा, एडिशन करने के बाद और विद द हेल्प ऑफ स्पैचुला आप इसको मिक्स कर सकते हैं। ये स्पैचुला है, इसको वीडियो में लगातार वॉच कर रहे हैं। विद द हेल्प ऑफ स्पैचुला इस कंटेंट को, इस मिक्सचर को, जिसके अंदर बोरिक एसिड और इथाइल अल्कोहल मतलब कि इथोनल है, दोनों को अच्छे से मिक्स करने की कोशिश की जा रही है। इसको हिलाया जा रहा है और इस प्रोसेस का नाम हम कह सकते हैं स्टीरिंग। तो स्टीरिंग करवाने का जो पर्पस होता है फ्रेंड्स, वो ये है कि इथेनॉल और बोरिक एसिड का जो सॉल्ट है, इसके या इनसे हमें एक होमोजीनियस टाइप मिक्सचर मिले, जिससे क्या होगा कि जो हमारे रिजल्ट आएंगे, मतलब कि जो हमारे ग्रीन कलर की फ्लेम देखने को मिलेगी, वो एक बेहतर रिजल्ट दिखाएगी, उसकी क्वालिटी, एक अच्छी क्वालिटी आपको देखने को मिलेगी।
फ्रेंड्स विद द हेल्प ऑफ लाइटर मैं इस कंटेंट को अभी इग्निट करने की कोशिश करूंगा। ये देख सकते हैं आप वीडियो में, ये और ये देखिएगा, ये एक वाव काफ़ी अमेजिंग रिएक्शन है। अभी आप देख सकते हैं इसमें ब्लू कलर की फ्लेम जो है देखने को मिल रही है, और साइड में जो कंटेंट लगा हुआ होगा कार्बन, उसकी वजह से ये थोड़ा अभी येलो कलर की फ्लेम भी दिखा रहा है। और ये कार्बन जलने के बाद आप इसको बिल्कुल ब्लू कलर में ही विजुअलाइज करेंगे। तो मैंने साइड की लाइट ऑफ कर दी है और स्लो मोशन में वीडियो को कर दिया है, सेट कर दिया है। ये देख सकते हैं काफ़ी अमेजिंग रिएक्शन है, काफ़ी ब्यूटीफुल है ग्रीन लाइट, काफ़ी अट्रैक्टिव भी लगती है। और यहाँ मैं आपको बताता चलूँ फ्रेंड्स कि जो बोरिक एसिड और इथेनॉल को मिक्स करने के बाद हमारे पास केमिकल सब्सटेंस बना, उसको हम ट्राई इथाइल बोरेट बोलते हैं। फिर से बता रहा हूँ इसका नाम, ट्राई इथाइल बोरेट। ये एक कलरलेस लिक्विड होता है और इसको हम एस्टर ऑफ बोरिक एसिड एंड इथेनॉल भी बोलते हैं। ये लाइट को मैंने साइड से फिर से ऑन किया है, सिंक में ये पड़ा हुआ है कंटेंट, ये देख सकते हैं फ्रेंड्स। और जहाँ तक कि इसके यूजेस का सवाल है फ्रेंड्स, ये कंटेंट या ये एस्टर कहाँ यूज़ होता है, तो ये भी मैं आपको बताता चलूँ। ये एज ए सॉल्वेंट यूज़ होता है और ये सिंथेटिक एप्लीकेशन इसकी यूज़ होती हैं, एज ए कैटलिस्ट भी यूज़ होता है, जैसे कि सिंथेटिक वैक्सेस में, रेसिन्स में, पेंट इंडस्ट्री है, वार्निश इंडस्ट्री है, इसमें इस तरह का ये जो एस्टर है वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली यूज़ में आता है। अभी देख सकते हैं बहुत ही ब्यूटीफुल है, ये फ्लेम देखने को मिल रही है, बिल्कुल कार्बन साइड का जल चुका है और फ्लेम जो है ग्रीन कलर आप इसको देख सकते हैं, काफ़ी अमेजिंग है, वॉच करिए। मैंने भी फ्रेंड्स जब इस रिएक्शन को किया था, फर्स्ट टाइम इस तरह की रिएक्शन ऑब्जर्व की थी और काफ़ी सरप्राइजिंग हुआ था ये सब देख के। चलिए फ्रेंड्स ये देख सकते हैं, बिल्कुल इसको जूम करने की कोशिश कर रहा हूँ मैं अभी कैमरे को, ये देख सकते हैं, वाओ ये देखिएगा लाइट ऑन ऑफ ऑन ऑफ, उसके बाद ये ग्रीन फ्लेम है ना, इंटरेस्टिंग फ्रेंड्स अपने आप में ये रिएक्शन। और ये जो कार्बन का कंटेंट अभी लास्ट में ब्लैक कलर का बच जाता है, ये अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ, साइड में देख सकते हैं कुछ हिस्सा जो बर्न हो चुका है। सो फ्रेंड्स एट द एंड मैं आपको रिएक्शन को रिवर्स करते हुए बताने वाला हूँ, सो दैट वी कैन एंजॉय, वी कैन कैप्चर एवरी मोमेंट ऑफ दिस रिएक्शन। तो चलिए फ्रेंड्स देखते रहें, वॉच करते रहें और एंजॉय करते रहें केमिकल रिएक्शंस को। और एट द एंड फिर से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ प्लीज़ एंड प्लीज़ चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें फ्रेंड्स, और कमेंट बॉक्स में अपना ओपिनियन, अपना पॉइंट ज़रूर शेयर करें और मस्त रहें, इंजॉय करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।